गैज, अगर आप भी अपना व्हाट्सएप को मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये यहाँ पे व्हाट्सएप बहुत एक यूनिक लुक यहाँ पे दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्हाट्सएप देखने में थोड़ा सा अलग सा लग रहा है और ये मतलब थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है, ठीक है। तो आपको भी व्हाट्सएप को अगर ऐसे मॉडिफाई करना है, ऐसे अब अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, आज की वीडियो में बस यही हम जानेंगे, ठीक है। तो गैज, नॉर्मली ये करने के लिए आपको करना क्या है ना कि नॉर्मल व्हाट्सएप जो होता है, नॉर्मली व्हाट्सएप से आप ये नहीं कर सकते। आपको GB व्हाट्सएप जो है ना, GB व्हाट्सएप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो वो जो व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आपको बस डिस्क्रिप्शन से वो वाला जो व्हाट्सएप है वो व्हाट्सएप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेने के बाद ये व्हाट्सएप आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि नॉर्मली व्हाट्सएप जैसे कि ओपन करते वैसे ही ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पे कॉर्नर पर मिल जाएगा 3 डॉट का, तो आपको 3 डॉट पे जाना है। जैसे आप 3 डॉट पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा GB सेटिंग्स बोल के, ठीक है। तो GB सेटिंग्स पे आपको जाना है, देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थीम स्टोर। तो थीम स्टोर पे जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कहीं सारा स्टोर जो है थीम का, तो वो थीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो थीम आपको अच्छा लगे बस वो थीम आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मेरा वाला जो थीम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वाला थीम यहाँ पे ये है, तो और ये मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको कोई दूसरा थीम जो पसंद है वो थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं सारा थीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कोई भी एक थीम जो है पसंद आया होगा, तो जैसे कि आप मान लीजिए ये वाला थीम आपको पसंद आया, तो यहाँ पे आपको एक बार टैप कर लेना है। तो जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा शेयर टू अनलॉक, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 5 फ्रेंड को ये वाला जो GB व्हाट्सएप का जो ऐप है, ऐसे शेयर का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको 5 फ्रेंड को शेयर करना है। तो जैसे आप 5 फ्रेंड को शेयर करेंगे ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद ये अप्लाई भी हो जाएगा, आपको अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो के आखिर में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि GB व्हाट्सएप जो होता है, GB व्हाट्सएप एक्चुअली सेफ नहीं होता है, फिर भी मैं GB व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ। अगर आप भी GB व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो ये अपना रिस्क जो है, अपने रिस्क से ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्सन GB व्हाट्सएप होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी टिप्स देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।